हरियाणा में जहां बिजली की कमी ने नागरिकों को परेशान कर रखा है, तो वहीं रतिया में पीने के पानी की कमी ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक रतिया शहर के वार्ड 3 और 4 में पिछले 10 दिनों से पानी की भारी किल्लत है। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से वार्ड वासियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर वार्ड वासी आज सैकड़ों की संख्या में लामबंद हुए और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह विभाग के कार्यालय के आगे मटका तोड़ प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ पर पिछले 10 दिन से पीने के लिए पानी की जो सप्लाई है वो नहीं आ रही। अधिकारी कर्मचारी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बोर खराब है, सबमर्सिबल खराब है, कोई नई मशीन आएगी, पर 10 दिन से वो मशीन नहीं आ रही। पता नहीं वो बाहरली कंट्री से आएगी, कहाँ से आएगी। जो आप मौजूदा जेई हैं वो कह रहे हैं एसडीओ साहब से बात करेंगे, एक्शन साहब से बात करेंगे, एससी साहब से बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, पूरा वार्ड परेशान है, पीने के लिए पानी की सप्लाई नहीं हो रही, सारे परेशान हैं, सारी जनता परेशान है। पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, हम 10 दिन हो गए रोज जा भी रहे हैं वाटर बॉक्स, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस एक ही कह देते हैं, अब जेई साहब से मिलते हैं, पीछे मोटर मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो फिर खड़े हैं यहाँ पे और मटका प्रदर्शन भी करेंगे। क्या एक घर में आता है तो टाइम क्या है, कहते हैं आज 10 बजे छोड़ेंगे तो 12 बजे छोड़ते हैं, 12 बजे कहते हैं तो 2 बजे छोड़ते हैं, टाइम फिक्स भी नहीं कर रहे। चल रात का भी कोई बात नहीं, लेकिन टाइम फिक्स तो करें। पानी की दिक्कत कल्ली तीन बार से चार चीज सारे शहर की है, सरकार का दोबारा निकले पे, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, लोग मरते कगारते रहे, अज का नौजवान सुइसाइड कर रहे हैं। तो कारण की बेरोजगारी बढ़ गई है, पानी की बिजली नहीं, समस्या हाल नहीं होती, सरकार सुती पड़ी है। नहीं, ये बताने पिछले 10 दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं, कोई संतुष्ट जवाब ना मिलेगा ना मिला है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, अटकेली करते हैं, लत्ते लत्तर के ऐसे कर देने, तनख्वाह लेके घर भाग जाते हैं, पब्लिक कोई ध्यान नहीं, कोई भुखा भरो, पानी का पैसा भरो। तो वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो वहीं फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि 3 और 4 वार्ड में पानी की किल्लत है, क्योंकि इससे संबंधित जो ट्यूबवेल है वह कई दिन से खराब है और जल्दी इसको लेकर नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर वार्ड वासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। रतिया से अशोक ग्रोवर, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।